लेकिन मुख्तसर। मैं पहले तो शुक्रिया स्पीकर साहब आपका अदा करने से पहले मैं अपने उस्ताद मोहतरम और मेरे बड़े भाई हैं सैयद मेरे खुर्शीद शाह साहब, इनकी इजाज़त से मैं और इनका टाइम मैं ले रहा हूं। मगर मैं गुजारिश ये करना चाहता हूं कि एक शख्स की इमेज बिल्डिंग के लिए पाकिस्तान के सारे वसाइल कई साल तक इस्तेमाल किए गए और कहीं का सरिया कहीं का सीमट इस कदर इस्तेमाल हुआ कि वो शख्स जो कल जेल में बोल रहा था वो खुद को इतना ताकतवर समझने लगा कि जिन्होंने कहीं सरिया सीमेंट जबरदस्ती भी उठाया और जबरदस्ती उठाकर उसमें ठूंसा और वो शख्स उनको कमजोर समझने लगा और जो कुछ पिछले 25 दिनों से खास तौर पर वो कर रहा है ये कभी ऐसा नहीं होता कि किसी शख्स को वसाइल से शख्सियत लीडर बनाया जा सके। हमेशा भेजा या ये दिल जमीर, इसके बगैर इमेज बिल्डिंग नहीं की जा सकती। और वो उसने साबित किया जब ये कहता है कि मेरे खिलाफ साजिश हुई, तो क्या उस वक्त साजिश हो रही थी जब सबका सदर अमेरिकन ट्रंप साहब से ये मिल रहा था और मकबूजा कश्मीर का सौदा कर रहा था? उस वक्त तो उनकी आंख का तारा था। और ये कैसी साजिश है अमेरिका की कि आप हर काम उनकी मर्जी के मुताबिक 4 साल करते रहे, और आज ये कैसी साजिश के नतीजे में हुकूमत बनी बकौल तेरे कि जनाब आज आईएमएफ के साथ जो तुमने कड़ी शरायत से कर्जे लिए थे वो अमेरिका रिलीफ दिलवाने के लिए इस हुकूमत को तैयार नहीं है, फिर भी उसी तरह की रुकावटें खड़ी कर रहा है। और मैं एक बात जनाब स्पीकर और अर्ज करना चाहता हूं, ये कैसी साजिश है कि जनाब आप पीडीएम की क्यादत से पिछले 25-30 दिनों के दौरान जब ये अदम एतमाद कामयाब होती आपको नजर आ रही थी तो पीडीएम की जमातों में से एक जमात की लीडरशिप से तुमने ये कहा कि अदम एतमाद की तहरीक वापस ले लें, जो चाहेंगे वो देने के लिए तैयार हैं। ये जब बात यहां ना रुकी फिर स्पीकर साहब यहां तक कह दिया कि शहबाज शरीफ को वजीर आजम ना बनाओ किसी और को बना लो तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। वजह आज फरा गोगी का इस तरह दिफा कर रहे हो जिस तरह सकी बहन अलीमा खान का भी नहीं किया आप फरा गोगी। और मैं ये स्पीकर साहब ये जरूर कहना चाहता हूं कि इस पर बोलने पर गलत बयानी पर झूठी बातें करने पर कोई मुकदमा ना बनाया जाए, मगर 4 सालों में जो इस वेले बंदे ने कमाई की अरबों खरबों रुपया ले गया पाकिस्तान के वसाइल से उसका हिसाब जरूर होना चाहिए। ये बोलता रहे जेलम में, ये बोलता रहे मियांवाली में, मगर उसका हिसाब हर हाल में होगा। और फरा गोगी से बुशरा बीबी और बुशरा बीबी के ताने यकीनन इमरान खान से मिलते हैं, तो फिर इन्वेस्टिगेशन तो होगी। यही है साजिश, यही मैं कहना चाहता था। आपका बहुत शुक्रिया इस बात के साथ कि जनाबे स्पीकर अगर इस दबाव से
इसकी करप्शन को छुपाया गया तो ये पाकिस्तान के साथ नाइंसाफी होगी। और जो स्पेस आज भी इसको दी जा रही है, जो स्पेस आज भी इसको मिल रही है, वो 9 साल पहले भी पाकिस्तान के मफाद में नहीं थी, आज भी मिलने वाली स्पेस पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। YouTube पर Google News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Google News TV टाइप करें। Google News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।